स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन वीडियो ऑफ RCI एजुकेशन हब बांसुर। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन। ओके, सो इन दिस topic we discuss about the fermentation and types of fermentation. In the last video we were discussed about the aerobic respiration, that how pyruvic acid get entered into the Krebs cycle and it circulates and it forms CO2. Understand? Now let's discuss when pyruvic acid enters or when it react in absence of oxygen, that is known as anaerobic respiration or fermentation. आप कह सकते हैं कि जब पायरुविक एसिड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है या पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल या कार्बोनिक एसिड, ओके, विद रिलीज ऑफ CO2, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, बचनर ने ये भी बताया जब उसने ज़ाइमेज एंजाइम डिस्कवर किया, दैन ही स्टेट कि इसके लिए किसी लिविंग सेल की जरूरत हो, इट इज नॉट एसेंशियल। यानी ज़ाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है इसको हम बाहर या लैबोरेटरी में भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? इवन पास्चर ने एक्सप्लेन किया था कि भाई इसकी फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट सेल में होती है, और ईस्ट सेल में जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है देन इट रिलीज द एल्कोहल, दैट इज नोन एज इथेनॉल। बट बचनर ने एक्सप्लेन किया कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दैट प्रोसेस शुड बी टेक्स प्लेस ओनली इन द ईस्ट सेल। ओके, ये क्या है, नॉन लिविंग सेल्स में या ऐसा हम लैबोरेटरी में कोई इन्वायरमेंट प्रिपेयर करके भी हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है इसके बेसिस पे फर्मेंटेशन 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको नाम दिख रहा है। वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अनदर इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ओके, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एंड ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन। सो सबसे पहले जैसा कि नाम से पता लग रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो ईस्ट, फंजाई और कुछ हायर क्लासेस ऑफ प्लांट्स में होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए जनरली क्या होता है इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से जो पायरुविक एसिड हमें मिला है वो पायरुविक एसिड 2 स्टेप में उसकी ब्रेकडाउन होती है। अंडरस्टैंड? पायरुविक एसिड की 2 स्टेप में ब्रेकडाउन होती है। फर्स्ट जो स्टेप है, इन दैट पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू acetaldehyde and CO2. Understand? This is the first step in which pyruvic acid converted into acetaldehyde, okay, in the presence of pyruvic decarboxylase, in the presence of pyruvic decarboxylase. Is that clear बेटा? तो ये समझ में आया। देखिए पहला 2 स्टेप में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। पहले जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है दैट शुड बी टेक्स प्लेस इन द पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज, ओके। सेकंड में क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, अल्कोहल। इज दैट क्लियर? अल्कोहल। देखिए इसमें मेन चीज क्या है, आपको जो ध्यान रखनी है एसिटाल्डिहाइड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ओके, ये डिसोसिएट होगा। 1 मिनट, दैट शुड बी डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ओके। 1 मिनट, अल्कोहल, या आप इसको इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, जो मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है दैट इज इथाइल अल्कोहल, ओके। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। अंडरस्टैंड? यानी नाम से आपको क्लियरली पता लग रहा है पायरुविक एसिड जो है वो पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो रहा है एसिटाइल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर एसिटाइल्डिहाइड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज में ब्रेक डाउन हो रहा है अल्कोहल दैट इज नोन एज इथाइल अल्कोहल। तो प्रोडक्ट क्या है इसका, लास्ट जो प्रोडक्ट है वो एक अल्कोहल है। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज नोन एज alcoholic fermentation. Is that clear? This type of fermentation is known as alcoholic fermentation. नाम से आपको क्लियरली पता लग रहा है कि भाई ये yeast, fungi और कुछ हायर क्लासेस ऑफ प्लांट्स में होता है। सेकेंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखिए आपको पता लग रहा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है। एक तो बैक्टीरिया में जैसे लैक्टिक एसिड है तो नाम से आपको याद हो जाएगा, एक तो लैक्टोबैसिलस और एक क्लस्ट्रीडियम, ठीक है। इन दो बैक्टीरियाज में होता है ये, और प्लस मसल सेल्स में होता है। आपको बताया भी था कि देखिए जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, कोई एथलीट है वो कंटिन्यूसली रनिंग करता है, अंडरस्टैंड, उस टाइम उसकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी टू हाई, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिस वजह से जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का वो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ब्रेकडाउन होता है सो दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड। ओके, तो इसमें क्या होता है देखिए, पायरुविक एसिड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें पायरुविक एसिड, इसमें क्या है एनर्जी का यूटिलाइज भी होता है। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और NAD पॉजिटिव। क्लियर है? यानी ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड नाम से पता लग रहा है कि भी प्रोडक्ट क्लास में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड और NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आपको पता लग रहा है कि भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, NADH+ H पॉजिटिव को यूज किया जा रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको लैक्टिक एसिड प्लस NAD पॉजिटिव। होता क्या है किसमें, बैक्टीरिया में होता है, क्लस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस। पूछा भी जाता है कि क्लस्ट्रीडियम लैक्टोबैसिलस में किस टाइप की फर्मेंटेशन होती है, या ऐसे दो बैक्टीरिया का नाम बताओ जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स है ये, लैक्टोबैसिलस और क्लस्ट्रीडियम में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इज दैट क्लियर? या ये भी डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो किन बैक्टीरियाज में होती है, सो दैट इज इन लैक्टोबैसिलस एंड क्लस्ट्रीडियम। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में ये प्रोसेस और किस में होता है, मसल सेल्स में होता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो थर्ड है हमारी, दैट इज नोन एज द एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपको क्लियरली पता लग रहा है इसमें क्या होगा, लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा हमारा, एसिटिक एसिड होगा। तो इसमें देखिए 2 स्टेप से ब्रेक डाउन होता है, वही पायरुविक एसिड सबसे पहले इसका पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा एसिटाइल्डिहाइड प्लस CO2। क्लियर है? एसिटाइल्डिहाइड एंड CO2, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एसिटाइल्डिहाइड यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा एसिटिक एसिड में। क्लियर है? वाटर की प्रेजेंस में, और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एसिटिक एसिड में। यानी देखिए सबसे मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि फर्मेंटेशन का नाम उसके प्रोडक्ट के नाम से है। क्लियर है? फर्मेंटेशन का जो नेम है वो किसके नाम से है, उसके प्रोडक्ट के नाम से है। ओके, और इसमें यही होता है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें पायरुविक एसिड किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, एसिटिक एसिड एसिड में ब्रेकडाउन हो रहा है, क्लियर। तो इन दो स्टेप से इसमें ब्रेकडाउन होगा एसिटिक एसिड का और इस तरह से पायरविक एसिड का, और एसिटिक एसिड लास्ट प्रोडक्ट होगा। हमारी जो फोर्थ टाइप की फर्मेंटेशन है वो है ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें जो पायरविक एसिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ब्यूट्रिक एसिड, क्लियर है। इसमें भी दो स्टेप में होता है, फर्स्ट में पायरविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, अंडरस्टैंड, प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी। और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसको क्लीन कर दे। एसिटिक एसिड, क्लियर है। और एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड में। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये देखिए चार टाइप की आपकी फर्मेंटेशन क्लियर हो गई है, अंडरस्टैंड। इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और H जो प्लस है उनकी एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको फर्मेंटेशन क्लियरली समझ में आ गई होगी। चार टाइप की फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें एल्कोहल बनता है, यानी इसमें आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होगा किसमें, एसीटाएल्डिहाइड में, और एसीटाएल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल, या आप कह सकते हैं अल्कोहल में, ठीक है, क्लियर है। ये पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में होगा और ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होगा, अंडरस्टैंड। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें लैक्टिक एसिड, ये दोनों आपको याद रखने हैं जिसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा मेन है क्योंकि ये बैक्टीरिया में होता है, क्लस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। इसके बाद एसिटिक एसिड में भी यही है कि पायरुविक एसिड पहले एसीटाएल्डिहाइड में और एसीटाएल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फिर एसिटिक एसिड में। और लास्ट में ब्यूटरिक एसिड में क्या है, पहले पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में और एसीटाएसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा ब्यूटरिक एसिड में, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया चार टाइप। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ओके, वैसे तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि एरोबिक एनारोबिक दो टाइप के होते हैं लेकिन कुल मिलाकर रेस्पिरेशन प्रोसेस है दैट शुड बी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन फर्मेंटेशन किसमें होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और वहां से आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि अल्कोहल या कार्बोनिक एसिड मिलते हैं। थर्ड जो डिफरेंस हम देखेंगे कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जबकि इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।